नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। मोदी सरकार में विदेश मंत्री रहीं सुषमा स्वराज ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान बेहतरीन काम किया। मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही वो ट्विटर पर भी बेहद सक्रिय रहे। मुश्किल में फंसे लोगों की सिर्फ एक ट्वीट पर मदद करने वाली सुषमा स्वराज ने अपनी इसी सक्रियता की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी लोगों को अपना मुरीद बना लिया। लेकिन इस बार सुषमा स्वराज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का हिस्सा नहीं है। बीमारी की वजह से उन्होंने ना तो चुनाव लड़ा और ना ही मोदी सरकार में शामिल हुई, जिसकी वजह से पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी विदेश सचिव रहे एस जयशंकर को सौंप दी। विदेश मंत्री भले ही बदल गए हों, लेकिन सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लोगों की मदद का जो सिलसिला शुरू किया था वो आज भी जारी है, क्योंकि सुषमा स्वराज के साथ काम कर चुके जयशंकर भी ट्विटर पर बेहद सक्रिय हैं। 3 जून को ही एक ट्विटर यूजर ने दुबई में फंसे ओडिशा के 10 मजदूरों को छुड़ाने के लिए ट्वीट किया, तो खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर जवाब दिया और कहा कि दुबई में हमारा वाणिज्य दूतावास मामले के शुरुआती प्रस्ताव पर काम कर रहा है, कृपया आगे के अपडेट के लिए दुबई स्थित दूतावास के संपर्क में रहें। इसी तरह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक भारतीय नागरिक का पासपोर्ट चोरी हो गया और उसे 6 जून को भारत वापस आने के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, जिसके लिए उसने ट्विटर पर विदेश मंत्री जयशंकर से मदद मांगी। इस शख्स की भी विदेश मंत्री ने खुद ट्वीट कर मदद की और उसे आश्वस्त किया कि हमारे कंसुलेट जनरल इस मामले को देख रहे हैं, 6 जून से पहले आपका पासपोर्ट तैयार हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ट्विटर पर इस सक्रियता को देखते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, प्रिय जयशंकर जी, सुषमा स्वराज जी द्वारा शुरू की गई प्रथा को संभालने और सक्रिय रहने के लिए धन्यवाद, आप दोनों को सलाम। 1977 बैच के IFS अधिकारी एस जयशंकर की विदेश मामलों में अच्छी पैठ है और वो काफी तेज तरार अफसर माने जाते हैं। जयशंकर को 2015 में केंद्र सरकार ने विदेश सचिव बनाया था, इससे पहले वो अमेरिका में राजदूत थे। कहते हैं कि जयशंकर ने अमेरिका के साथ परमाणु डील और बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 2009 से 2013 तक जयशंकर चीन के भी राजदूत रह चुके हैं, इस वजह से उन्हें विदेशी मामलों का अच्छा खासा अनुभव है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने जब उन्हें विदेश मंत्री बनाया तो लोगों ने इस फैसले की जमकर तारीफ की।